असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के बयान ने राज्य में विवाद को हवा दे दी है। शिक्षा मंत्री के द्वारा शुक्रवार को दिए गए एक बयान में कहा गया कि मदरसों में अब अरबी की जगह आसामिया पढ़ाई जानी चाहिए, इस पर कड़ा विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा, आसामिया अरब देशों में नहीं पढ़ाई जाती है तो फिर असम में अरबी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन ने पूछा कि आसामिया तो इंग्लैंड में भी नहीं पढ़ाई जाती है तो असम में अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती। इस पर शर्मा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि जब भी अरबी के बारे में कुछ कहा जाता है तो वह आप लोगों को परेशान क्यों करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के पैसे को अरबी पढ़ाकर बर्बाद कर रही है। हिमंता ने कहा कि करदाता बड़ी मेहनत से ये पैसा कमाते हैं। धन्यवाद।